का स्वागत है आपका हमारे अपने कंपटीशन पावर चैनल में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती, तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन मैंने पूछा था इसका आंसर क्या है, वो है बाल्यावस्था में, यानी बालिकाओं की जो लंबाई है किस अवस्था में बालकों से अधिक रहती है, तो वो बाल्यावस्था में रहती है। नेक्स्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए और जो भी आंसर्स आपको पता हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है वो क्या है? दिवा स्वप्न दिन में सपने लोग देखने लगते हैं, कॉमन चीज़ है आज के लिए, क्या है? किशोरावस्था, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट विकास के संबंध में सही कथन है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, यानी विकास क्या होता है? जो संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन होता है वो विकास होता है। नेक्स्ट है विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है, क्या बताता है? वर्तुलाकार, यानी विकास केवल एक ओर न होकर चारों तरफ होता है, यानी इसे क्या कहेंगे? वर्तुलाकार। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु रोता है, यानी जन्म के समय जो बच्चा होता है वो रोता है, क्यों रोता है? वातावरण के परिवर्तन के कारण, यानी जन्म के समय जो बच्चा है वातावरण के परिवर्तन के कारण वो रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में किस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो वो ग्रंथ है इलेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में, उत्तर है स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, यानी क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। नेक्स्ट बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, क्या है? गुणनफल। तो ये बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, यानी जीवन का सबसे कठिन काल जहाँ पे काफ़ी समस्या होती है समझने की, तो वो किशोरावस्था है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है क्या करें क्या ना करें, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है, बालक के जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई, तो वो हैं जीन पियाजे द्वारा, यानी बच्चों के जो बौद्धिक विकास की उन्होंने चार जो विशिष्ट अवस्थाएँ बताई थी वो जीन पियाजे ने बताई थी। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया का संबंध है, डिसकैलकुलिया कैलकुलिया से हम समझ सकते हैं कैलकुलेटर, यानी गणना संबंधी अर्थात आंकिक अक्षमता से, यानी गणना संबंधी समस्या। नेक्स्ट शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है, काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है शिक्षा में समावेशन क्या है, तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना, यानी सभी जो छात्र हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना ही समावेशन है। नेक्स्ट है आर वी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है, तो क्या है? वंशानुगत कारकों के, यानी आर वी केटल की जो तरल बुद्धि वो तुल्य है वंशानुगत कारकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वयं की जो भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया, तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे, तो उनको प्रतिभाशाली, यानी 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली। नेक्स्ट सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है, ये जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया, बिने साइमन ने। नेक्स्ट
द्वि तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये आंसर यहाँ पे मिश है, आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्ध की संरचना का वर्णन किया है? 3, यानी गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 3, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये किसने कहा? कार्ल सोनिक। अब आज की ये गंभीर समस्या है, क्योंकि जो किशोर है प्रौढ़ों को अपने लिए बाधा समझता है, वो उनके हर काम में रोड़ा बनते हैं, तो ये किसने कहा था? कार्ल सोनिक। नेक्स्ट है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? तो यह है जर्सिल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या होता है? जड़। नेक्स्ट है, यौन आदि समस्या समस्त यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, ये किसने कहा है? रॉस ने। यानी यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, ये रॉस ने कहा। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखें। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? तो यह है हैविंग हर्स्ट का। नेक्स्ट, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने। यानी पिछड़ा जो बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो काम है अब उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का जो काम करने में असमर्थ रहता है वो पिछड़ा बालक है, ये किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, ये किसने कहा है? हीली ने। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता, किसने कहा है? हीली ने। नेक्स्ट है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये किसने कहा था? लेवेटर। यानी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि को जाना जा सकता है, ये जो कहा था वो लेवेटर ने कहा था। नेक्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक हुआ है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, ये कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। यानी कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि सही गलत की बात हो रही तो वहाँ पर नैतिकता आ रही, यानी नैतिक तर्कणा। वीडियो आपको कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे थे, ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सुझाव हों वो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराते रहें, वो सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।